अनसुने किस्से के इन पलटते हुए पन्नों में चलते हैं उस दौर में जब एक्ट्रेस को उनके ही पति ने वैश्य बना दिया था। मैंने इतने सारे नग्न पुरुषों को देखा है कि अब मुझे कपड़े पहने पुरुषों से नफरत हो गई है। एक 20 साल की लड़की ने ये डायलॉग कहा था 1970 में रिलीज हुई फिल्म चेतना में। अब तक तो आपको पहचान हो गई होगी कि हम बात कर रहे हैं 70s की मशहूर एक्ट्रेस रेहाना सुल्तान की। चेतना फिल्म में पुरुषों को रिझाने का उनका तरीका इतना दमदार था कि डायरेक्टर्स ने उन्हें इसी रोल में कास्ट कर दिया। इस फिल्म से दौलत शोहरत भी मिली और नेशनल अवार्ड भी। फिल्म के निर्देशक बाबूराम इशारा थे जो कि बाद में रेहाना के पति भी बने। आपको बता दें इनका जन्म 1950 में इलाहाबाद में हुआ। इनके पिता इलाहाबाद में इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचने का काम करते थे। इन्होंने पुणे के FTII से एक्टिंग में ग्रेजुएशन किया और आ गई सीधा फिल्मों की लाइन में। विश्वनाथ अयंगर की डिप्लोमा फिल्म शादी की पहली सालगिरह में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म में काम करने के बाद रेहाना ने BR इशारा की फिल्म चेतना में काम किया था जो 1970 में रिलीज हुई थी। अपनी पहली ही फिल्म से रेहाना ने फिल्मी दुनिया में सनसनी फैला दी थी। दरअसल इन्होंने अपनी पहली डेब्यू फिल्म चेतना में कम उम्र में ही एक सेक्स वर्कर का किरदार निभाया था। इस किरदार को निभाकर अभिनेत्री ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। इतना ही नहीं, इस किरदार ने इन्हें रातों रात टॉप अभिनेत्री बना दिया था। इसके बाद राजेंद्र सिंह बेदी ने अपनी फिल्म दस्तक के लिए इन्हें साइन किया। ये फिल्म भी 1970 में ही रिलीज हुई। जहां रेहाना की पहली फिल्म चेतना ने उन्हें सेक्सी रोल करने वाली एक्ट्रेस का टैग दिलाया था, वहीं दस्तक में अभिनेत्री ने इतना कमाल का अभिनय किया कि उन्हें इसके लिए भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। दस्तक में भी अभिनेत्री ने अपना बोल्ड अंदाज लोगों को दिखाया। इस फिल्म के पोस्टर पर ही उनके बोल्ड अंदाज ने काफी सुर्खियां बटोरी थी। इसके बाद से ही रेहाना सुल्तान की गिनती बॉलीवुड की बोल्ड अभिनेत्रियों में होने लगी थी और इसके बाद तो इन्हें बोल्ड किरदार करने के ढेरों ऑफर आने लगे थे। अब अभिनेत्री इन किरदारों से परेशान हो चुकी थी। उन्हें लगने लगा था कि वह सेक्सुअलिटी का दूसरा नाम बनकर रह गई थी, इसलिए अब वो अधिकतर स्क्रिप्ट से इनकार कर देती थी। इस वजह से इनका नाम बॉलीवुड से गुमनाम हो गया। अगर इनकी कुछ यादगार फिल्मों की बात की जाए तो उनमें नाम आता है मन तेरा मन मेरा, तन्हाई, सवेरा, हार जीत, प्रेम पर्वत, खोटे सिक्के, एजेंट विनोद, बंधन धागों का और किस्सा कुर्सी का। इन्होंने अपने करियर में कुल 41 फिल्में की थी। इसके बाद अभिनेत्री ने अपने से 16 साल बड़े BR इशारा से 1984 में शादी कर ली थी। शादी के बाद वो धीरे धीरे फिल्मी पर्दे से गायब होती चली गई। BR इशारा ने लंबे समय तक फिल्में बनाई लेकिन जिंदगी के आखिरी दिनों में वो भी फिल्मों से दूर हो गए थे। इनका साल 2012 में निधन हो गया था। रेहाना सुल्तान अब फिल्मी दुनिया से दूर गुमनामी की जिंदगी जी रही हैं। दर्शकों, ये थी बीते जमाने की एक्ट्रेस रेहाना सुल्तान की जिंदगी का किस्सा। ऐसे और भी किस्सों को सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को।